दोस्तों हम सभी वेट कर रहे हैं OMG 2 मूवी के OTT रिलीज के लिए, लेकिन इसको लेकर कुछ अपडेट्स निकल कर आई है और भाई जो इसका वर्जन होने वाला है ना OTT का, वो थोड़ा अलग होने वाला है। तो इस बारे में हम बात करेंगे रिलीज डेट अपडेट को लेकर और भाई जो न्यूज़ निकली है उसके बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि लोगों को ऐसा ना लगे कि गदर 2 लगी थी तो शायद हो सकता है ये मूवी फ्लॉप हुई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग दोस्तों इस मूवी का जो बजट है वो 50 करोड़ का है, लेकिन इसने जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है वो 220 करोड़ का कर लिया है। मतलब ये कोई भी छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, अपने बजट का मतलब 3 गुना ज्यादा ही इन्होंने निकाला है। तो ये अच्छी बात है कि मूवी सक्सेसफुल होकर OTT पर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों गदर को ऐसी टक्कर देना मुश्किल काम है और ये अक्षय कुमार सर की फिल्म ने करके दिखाया है। करंट अपडेट्स की माने तो ये ऑफिशियली इसके जो मेकर्स, इसके जो डायरेक्टर है, उन्होंने ये बोल दिया है कि OTT पर जो वर्जन रिलीज होगा वो अनकट वर्जन होगा, क्योंकि थिएटर में जब इसे रिलीज किया गया था तो दोस्तों उसमें जो था हमें मतलब 27 कट्स लगाए गए थे मूवी के अंदर में, जिसकी वजह से बहुत सारे सीन्स जो है वो कट कर दिए गए थे। और दोस्तों अब जो OTT पर ये वर्जन आने वाला है ये सारे सीन्स फिर से ऐड किए जाएंगे और ये अनकट वर्जन होगा। टोटल जो फिल्म इन्होंने क्रिएट की थी वही हमें OTT पर देखने को मिलेंगी, लेकिन दोस्तों ये फिल्म जो है वो अब एडल्ट ऑडियंस के लिए होने वाली है और जो अक्षय कुमार सर की फिल्म में इतने सालों के बाद दोस्तों ये जो रेटिंग है वो मिलने वाली है इस फिल्म को। तो हाँ दोस्तों ये अपडेट्स निकल कर आ गई है। और बात आती है OTT प्लेटफॉर्म की, तो ये सभी को पता लग चुका है कि मूवी के जो राइट्स है वो जियो सिनेमा के पास में है। तो दोस्तों जियो सिनेमा के पास राइट्स तो है, लेकिन ये थोड़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जियो सिनेमा मूवीज़ को रिलीज़ करने के ख्याल में बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पता होगा ज़रा हट के ज़रा बच के मूवी भी उन्होंने अभी तक रिलीज़ नहीं की है। तो इस मूवी को क्या वो जल्द से जल्द रिलीज़ करेंगे? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जियो सिनेमा फिलहाल फोकस कर रहा है सब्सक्रिप्शन प्लान को लेकर, जहाँ पर अपकमिंग जो उनकी मूवीज़ आएंगी ना, जैसे ये OTT पर आने वाली है तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको देखने को मिलेंगे, जो अभी फ्री में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये सारा मजहब जियो सिनेमा खत्म करने वाला है। बात करें फिर इसके रिलीज डेट को लेकर, तो वैसे तो इस मूवी को अक्टूबर के मंथ में रिलीज हो जाना चाहिए और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो इसकी जो रिलीज डेट निकल कर आती है वो है दोस्तों लगभग 13 अक्टूबर के आसपास ये मूवी आपको जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जियो सिनेमा अपने ऐप पर कुछ वर्क कर रहा है, इसकी वजह से टाइम लगने वाला है। क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।